दो आध्यात्मिक धाराओं का मिलन पहली बार मीरा रोड में हुआ। मीरा रोड दो आध्यात्मिक धाराओं का पहली बार मिलन मीरा रोड के श्री राधा कृष्णा बैंक्वेट हॉल में सोमवार 4 मार्च को हुआ। मीरा रोड में प्रवासित साध्वी श्री रिणिमा श्री जी, साध्वी मंगल प्रज्ञा जी आदि थाना 6 और अहमदाबाद से जयसिंहपुर चातुर्मास हेतु पधार रही साध्वी श्री लावण्या श्री जी आदि थाना 3 का मीरा रोड की पावन धरा पर पहली बार आध्यात्मिक मिलन समारोह हुआ। पूनम सागर के राधा कृष्णा बैंक्वेट हॉल में सुबह 9 बजे से शुरू हुआ। साध्वी रिणिमा श्री जी ने कहा कि साधु संतों का मिलन होता है जहाँ पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करती है और सदियों सदियों के बाद मिलन हो रहा है वैसी अनुभूति होती है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि तेरापन धर्म संघ हमें मिला और जीवन जीने के मौके मिले हैं तो उसे सार्थकता के साथ जिए। जीवन छोटा है, सवारा जा सकता है, उसे सवारे साधु संतों की वाणी का अंगीकार करते हैं तो आपका जीवन ज्योतिर्मय बन जाएगा। बच्चों, किशोरों व किशोरियों को समाज से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ें। साध्वी श्री मंगल प्रज्ञा जी ने कहा कि मिलन विराग को बढ़ाने व संयम साधना अध्यात्म के साथ साध्वी श्री पधारे हैं। यह संत मिलन ताप पाप संताप का हरण करता है। साध्वी लावण्या श्री जी ने भी संत मिलन पर अपनी वाणी से व्याख्या की व अहिंसा आर्ट गैलरी की भव्यता का महत्व बताया। वह दीक्षा के 85 वर्षगांठ पर साध्वी अणिमा श्री जी ने लावण्या श्री जी का दीक्षित परिचय दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तेरापंथ समाज, तेरापंथ युवक परिषद, तेरापंथ महिला मंडल आदि ने अपने उद्बोधन में दोनों सिंगाड़ों को मीरा रोड के समाज को सेवा करने का अवसर प्रदान कराने पर साध्वी अणिमा श्री जी के प्रति आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में महिला मंडल द्वारा सुंदर गीतिका की प्रस्तुति दी। इस दौरान विधायक नरेंद्र मेहता ने कहा कि मुझे सभी साधु संतों का सानिध्य मिला है मगर अणिमा श्री जी का स्थान गुरु के रूप में अपनाया है और आपका आशीर्वाद मुझे खूब मिला। वह आचार्य महाप्रज्ञा जी की जयंती मुंबई में मनाई जाएगी, उसके लिए मेरा जो भी सहयोग मांगेंगे उसको मैं दूंगा। 2023 में आचार्य महाश्रमण जी का चातुर्मास मुंबई में फरमाया है, वो मीरा भाईंदर में हो। आज से मैं काम में जुट जाऊँ व समाज के भवन की जगह के लिए भी यही कहा कि हम यह काम भी कर लेंगे। यह संबोधन किया तेरापन सभा मीरा रोड के अध्यक्ष सुखलाल माद्रेचा व तेयू के अध्यक्ष अरुण मेहता भाईंदर के साथ ठाणे के जीतू बलडोटा भाईंदर संघ ने भी उद्बोधन दिया। इस दौरान सभापति दिनेश जैन, नगर सेविका सीमा शाह, पूर्व नगर सेवक मोदी नंदलाल दवे, विनोद जैन, विनोद कोठारी, विनोद कावड़िया, तेरापन महिला मंडल मुंबई अध्यक्षा जयश्री बड़ाला, उदयलाल भंडारी, भगवती लाल भंडारी, भगवती पटवारी, चंद्रेश माद्रेचा, सुभाष माद्रेचा, परेश भंडारी, मुकेश कोठारी, राजू कोठारी, अनीता जैन, शकुंतला माद्रेचा, रुपेश पटवारी सहित सैकड़ों श्रावक श्राविकाएँ उपस्थित थे। प्रायोजक संतोष देवी, डालचंद बोहरा एवं पुत्र पुत्रवधु संगीता मिठालाल, कुसुम अशोक, मयंक, ऋतिक, मनन, हर्षा एवं बोहरा परिवार मीरा रोड द्वारा किया गया था। मैं राजस्थान टीवी से कृपा शंकर दवे, कैमरामैन संजय वैष्णव के साथ नीलेश पंड्या, राजस्थान टीवी, मीरा रोड, मुंबई। तेरा पंथ के आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु को वंदन। परम श्रद्धे आचार्य श्री महाश्रम जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। साध्वी श्री लावण्या श्री जी, साध्वी श्री जी अणिमा श्री जी, साध्वी श्री जी मंगल प्रज्ञा जी, सभी सहवर्तनी साध्वी श्री जी को भाव प्रणाम वंदन। अध्यात्म मिलन समारोह में समागत सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों एवं सादर जय जिनेन्द्र। हमारे मीरा रोड वालों के लिए सौभाग्य की नहीं परम सौभाग्य की बात है। साध्वी श्री जी अणिमा श्री जी ने अपने मंगल सानिध्य हमें प्रदान कराए, उसका मैं शब्दों में क्या उल्लेख करूं और उस पर साध्वी श्री लावण्या श्री जी का सहज पधारना और त्रिवेणी संगम का यह अद्भुत नजारा जैसे सोने पे सुहागा।
आप सभी धौल राशियों को मैं मेरा और स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तेयो महिला मंडल बाहर से पधारे सभी पदाधिकारीगण एवं समस्त सवाज समाज आप सभी को इस आध्यात्मिक मिलन में समारोह में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। 11 वर्ष पूर्व साधी श्री अनिमा श्री जी ने हम पर जो कृपा बरसाई थी वो मेरे स्मृति पटल पर आज भी अंकित है। साधी श्री जी, मैं आपके प्रति जितनी कृतज्ञता ज्ञापित करूं उतनी कम है। मैं एक बार निवेदन करना चाहता हूं, साधी श्री जी हमारी सार सम्मान में 11 वर्ष जितना विलंब ना करें, आपकी सुविधा अनुसार हमें दर्शन सेवा का लाभ देते रहे। पुनः एक बार सभी साधी वृंद का स्वागत अभिनंदन। मैं साधी श्री जी लावण्य श्री जी से भी कृपत साधी श्री जी के कृपत निवेदन कर रहा हूं कि आप सभी भी मीरा रोड में ज्यादा से ज्यादा विराज कर हमें लाभान्वित करें, इसी भावना के साथ ओम। तेरा पंथ की आद्य प्रवर्तक महामना भिक्षु को नमन। पूज्य प्रवर के चरणों में सभक्ति वंदना। यहाँ विराजित साध्वी श्री लवण्य श्री जी, साध्वी श्री अनिमा श्री जी, लवण्य साध्वी श्री मंगल प्रज्ञा जी एवं साध्वी वन के चरणों में सभक्ति वंदना। धर्म परिवार सादर जय जिनेन्द्र। तेरा पंथ के इतिहास में हमारे साधु संतों का जो मिलन होता है वो एक अनोखा होता है। जैन समाज में तेरापन समाज में जो मिलन होता है वो हमारे समाज में ही देखने को मिलता है। एक दूसरे सिंगाड़े जो मिलन जिन्होंने देखा है आज भी देखा होगा, मैं शायद थोड़ा लेट हो चुका था। और मिली है हमें अमित पुण्य बलि आचार्य महासमन जी की कुशल अनुशासना, जिनकी छत्र छाया में संघ अहर्निश सर्वतोन्मुखी के शिखरों पर आरोहण कर रहा है। बंधुओं, आज का यह ऐतिहासिक दिन मेरा रोड की इस पावन धरा पर तीन तीन सिंगाड़ों का आध्यात्मिक मिलन समारोह आज सचमुच एक उत्सव का माहौल है। हम मुंबई वासियों पर मुझे लगता है कि पूज्य प्रवर की बड़ी कृपा है कि हमें बोनस पे बोनस मिलता जा रहा है। बंधुओं, पिछला बोनस हमें मर्यादा महोत्सव के उस विशाल प्रांगण में कोयम्बतूर से पूज्य प्रवर के मुखारविंद से 2023 के रूप में हमें प्राप्त हुआ। सचमुच मुंबई की यह धरा बड़ी सौभाग्यशाली है कि हमें ऐसे एक महान अभियान को आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है जो पिछले 65 सालों में हमें जिसकी आस थी। पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी जब 65 साल पहले मुंबई में चातुर्मास किया था, हम तो तब थे ही नहीं। तो बंधुओं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अभी की मैं बात करूं तो मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं साधु श्री लावण्य श्री जी के प्रति। अभी कुछ दिन पहले हमने वागड़ स्कूल में अध्यक्ष महोदय नरेंद्र जी तातर के नेतृत्व में हमने दर्शन किए थे। मेरा रोड का सार समाज सफाला और पालघर का सार समाज भी वहां पर उपस्थित था। तो हमने जब निवेदन किया साधु श्री जी से तो साधु श्री जी 50-50 में थे कि हम तो जयसिंहपुर जाना है, 400 किलोमीटर का रन है, लेकिन आपने हमारे अध्यक्ष महोदय की हमारे श्रावक समाज की भावनाओं को आत्मसात करते हुए बहुत मैत्री कृपा कर मेरा रोड में अपना प्रवास कहा कि चलो मैं बम्बई आऊंगी। और ये हमारे लिए बड़े हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं साधु श्री लावण्य श्री जी के प्रति एवं साधु वृंद के प्रति। बंधुओं, मैं निवेदन करूंगा साधु श्री लावण्य श्री जी से कि आप ऐसे ही मैत्री कृपा हम मुंबई वासियों पर करावे और आप अपना प्रवास मुंबई में आगे मुंबई की तरफ आपने विभिन्न क्षेत्रों को जैसे कांदिवली में मुनीश साधु श्री कैलाशपति जी विराज रहे हैं, वहाँ भी एक मिलन समारोह हम चाहते हैं कि आप आयोजित हो। और आगे पार्ला में मुनीश विराज रहे हैं और सोमलता जी शासन श्री घाटकोपर विराज रहे हैं, तो आप ऐसे रूट लेते हुए थाना की ओर होते हुए आप अपना प्रवास आगे की ओर निर्धारित करें, ऐसे विनम्र मेरा अनुरोध। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप मुंबई में दिलावे, क्योंकि आप 93 में बॉम्बे पधारे थे, आज 26 साल हो गए हैं। तो मेरा निवेदन साधु श्री जी आप कृपा करावे और मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रदान करावे। और बंधुओं, जैसा कि मैंने कहा 2023 हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है और मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ पूज्य प्रवर आचार्य महासमुंद जी के प्रति कि उन्होंने 2023 की तैयारी के लिए आज 2019 को जो हमने हमें बेस बनाना है और हमें 5-5 चातुर्मास मुंबई
तेरापन समाज को प्रदान किए हैं। तो ब्रज वर्ग के प्रति ओम अरम कृतज्ञता और पांच चतुर्मास और छह सिंगार है। तो मुझे वो दृश्य याद आता है जब हमने व्रत मर्यादा महोत्सव मनाया था और उसके पहले जो बैकग्राउंड के रूप में मुनिषी सुमेर जी स्वामी का मैं जो पावन सानिध्य प्राप्त हुआ था वही धर्म की लहर मैं चारित्र आत्माओं से निवेदन करूंगा कि आपको हमें जगानी है। तो बंधुओं, कर रहा है हर व्यक्ति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति, शासन की करे हम खूब भक्ति, जाके हम सब में ऐसी दिव्य शक्ति, जाके हमें ऐसी खूब दिव्य शक्ति। बंधुओं, मुंबई बनेगा महासमन्वय, बने हम 2023 की तैयारी में तन्मय, बने हम 2023 की तैयारी में तन्मय। मैं साधु श्री हरिमाशी जी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने मेहनती कृपा कर मुंबई में दक्षिण मुंबई का सतत चातुर्मास संपूर्ण कर आज मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों का परस रहे हैं। तो मैं पूरे डॉक्टर मंगल प्रगा जी, साधु श्री हरिमाशी जी और दावनेश्वर जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने जो मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और व्रत हस्त की जो आपने मुंबई श्रावक समाज को प्रदान किया है, आप ऐसी कृपा हम पर बनाए रखे। पूरे श्रावक समाज की ओर से श्री जयंत चिदापति साहब मुंबई की ओर से आपके प्रति कृतज्ञता और आज के सफल आयोजन के लिए मीरा रोड के पूरे तेरापन समाज को मैं साधुवाद देता हूँ कि आज ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम को आपने आयोजित किया है। वंदनीय साध्वीवरी, आज का नजारा एकदम गदगद हूँ और सातवीं वृंद का मिलन समारोह त्रिवेणी संगम हाल ही में हमने सुना, मीडिया में देखा कि प्रयागराज में महाकुंभ है और वो महाकुंभ में देश के प्रधानमंत्री भी डुबकी लगा के आ गए। तो आज तो हमारे मीरा रोड में ये त्रिवेणी संगम मानो प्रयागराज ही बन गया और हम सब ये ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। हमारा मीरा रोड वासियों का अहोभाग्य है कि सातवीं श्री जी ने कृपा कराई और मीरा रोड पधारे और सहज सहयोग मिला, कि वंदनीय साध्वी श्री अणिमा श्री जी, साध्वी श्री मंगल प्रज्ञा जी आदि साध्वी वृंद मीरा रोड विराज रहे थे और महाराज का यहाँ पधारना हुआ। महाराज ने बहुत कृपा कराई और ये एक बहुत ही आध्यात्मिक और एकदम आह्लादित होने वाला मनोरम्य दृश्य आज जो दो साध्वी वृंद का मिलन हुआ वो देखा तो रोंगटे खड़े हो जाए। जो प्यार, सौहार्द, स्नेह की भावना और जो वात्सल्य की भावना देखने मिली सच में अनुकरणीय है और ये नजारा तेरापन धर्मसंघ में ही देखने मिल सकता है। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। यहाँ विराजे परम विदुषी साधु श्री अणिमाशी जी, साध्वी श्री मंगल प्रज्ञा जी, साध्वी श्री लावण्य प्रभा जी एवं सभी साधुगण के चरणों में सभक्ति वंदन। सम्मानित मंच, उपस्थित धर्म परिवार, सादर जय जिनेन्द्र। प्रकाश के लिए जैसे सूर्य का उदाहरण देते हैं, सुगंध के लिए जैसे पुष्प का उदाहरण देते हैं, शक्ति के लिए जैसे हनुमान का उदाहरण देते हैं, तो भक्ति के लिए हम मीरा का उदाहरण देते हैं और उसी मीरा के नाम पर बसे इस उपनगर मीरा रोड में आज मैं अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आई हूँ, लेकिन ऐसे क्षण में आई हूँ कि जहाँ भक्ति को उस मीरा ने कृष्ण के प्रति बहुत अटूट भक्ति रखी थी और संजोग देखिए राधा कृष्ण बैंक्वेट हॉल में भी हम मीरा की उसी भक्ति को पराकाष्ठा से गुरु भक्ति को, संग भक्ति को उसी पराकाष्ठा से जीने वाली, सांसों की तरह भक्ति को जीने वाली ऐसी प्रबुद्ध साध्वी श्री जी के संगम को हम निहार रहे हैं। साध्वी श्री अणिमा श्री जी और मंगल प्रज्ञा जी तब हमारे मुंबई के ही हो चुके हैं, लेकिन साध्वी श्री लावण्य प्रज्ञा जी एवं सभी पधारी हुई साध्वी बिन का मैं तेरापन महिला मंडल मुंबई की तरफ से हार्दिक हृदय के अनंत अनंत भावों से हार्दिक स्वागत करती हूँ और आपसे बस निवेदन करूंगी कि आप अधिक से अधिक मुंबई में आपका प्रवास हो और सभी क्षेत्रों में आप पधारे। भक्ति उस अध्यात्म के महासूर्य की एक किरण में ही इतनी ऊर्जा होती है, तो यहाँ तो किरणें ही किरणें है, तो इस ऊर्जा से हम सभी लाभान्वित हो और अपना आत्मोद्धार करें। सभी साधुवृंद के प्रति कृतज्ञता। मीरा रोड समाज, जैसे अभी हमारे जेटीएन से संकेत भाई ने 2 महीने पहले ही मुझे न्योता दिए थे कि जब मीरा रोड में कार्यक्रम हो तो आपका पधारना है, वो जेटीएन में नहीं जी तोड़ नॉनस्टॉप ऐसे कह सकते हैं कार्य करते हैं, तो पूरा परिवार भी संघ और संघपति के प्रति समर्पित है। इसी तरह ये हमारे लिए भी अनुकरणीय बने। पुनः साधु श्री के प्रति कृतज्ञता। ओम अरुण।
साध्वी जी हरिवासी जी, साध्वी जी मंगल प्रभा जी आदि थाना मंच पे विराजित सभी साध्वी जी भगवान के चरणों में वंदन करता हूँ। सामने उपस्थित सभी तेरापंथ समाज के अग्रणीय, मुंबई से पधारे हुए सभी महानुभव, सभी भाइयों बहनों, ये हमारा सौभाग्य है कि आज मंच इतना सुशोभित है और वैसे तो हर जगह जहाँ साधु महात्मा साध्वी जी विराजते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हर जगह पहुँचूँ और उनके सानिध्य में जाऊँ और उनका आशीर्वाद लूँ। और हमेशा समय समय पे साधु भगवंत हो साध्वी जी भगवंत हो, सभी का आशीर्वाद मिला, प्रेरणा मिली, मार्गदर्शन मिला, उसको लेते हुए जीवन में उतारते हुए समाज हित के कार्य करने का हम प्रयास करते रहे। अनिमाश्री जी बिरौर में पधारे हैं, ये मैं जब विधानसभा में मेरा सत्र शुरू था तब मुझे कहा कि अनिमाश्री जी मेरा महेंद्र आई और आपको याद भी किया है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि साध्वी जी भगवान ने मुझे याद किया है, क्योंकि हम याद करें ये हो सकता है, लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति याद करे, विशेष व्यक्ति, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैंने कहा था कि मैं शनिवार को अधिवेशन खत्म होगा तब मैं आऊँगा मिलने आशीर्वाद लेने के लिए। योग आयोग एक दिन बिजी रहा और महाशिवरात्रि थी, मैं 11 बजे से कोशिश कर रहा था कि पहुँचूँ, लेकिन मेरे नसीब में लिखा था आपका आशीर्वाद, आपका सानिध्य मिलना, इस सुशोभित मंच का सानिध्य मिलना। यूँ तो मैंने तेरापंथ समाज को, जैन कुल में मेरा जन्म हुआ है, सभी सांप्रदाय को जानता हूँ, लेकिन विशेष तौर पे तेरापंथ समाज को नज़दीक से जुड़ने का, सभी साधु महात्मा के नज़दीक से जुड़ने का मौका तब मिला जब अनिमाश्री जी का चातुर्मास जो था वो मीरा भाईंदर में थे और हमारे पारद जी कच्चा शायद उस समय अध्यक्ष थे और बड़ा ही धूमधाम से वो चातुर्मास हुआ। मुंबई के अन्य मान्यवर करनावत जी हो, ख्यालीलाल जी हो, बाकी सभी मान्यवर, इन सबसे तभी मुलाकात हुई क्योंकि वो सभी चातुर्मास के निमित्त मीरा भाईंदर में पधारे। उसके बाद मुझे लाडू जाने का भी मौका मिला, दर्शन करने का मौका मिला आचार्य जी के, और ये सौभाग्य रहा कि लगातार उसके बाद भी मैं कहीं भी रहूं अनिमाश्री जी का आशीर्वाद मुझ तक हमेशा किसी ना किसी माध्यम से पहुंचता रहा है। ये मेरे लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है और एक अलग सा सानिध्य उनका रहा है मुझ पे, और हमेशा मैं उस बात को भूला नहीं हूँ। अगर आज मैं नहीं पहुँचता तो मुझे बहुत दुख होता कि मैं नहीं पहुँच पाया, लेकिन जीवन में राजनीति सफर में आने के बाद व्यक्ति अपना नहीं रहता है, और क्योंकि हमें जाना कहीं और होता है, चले कहीं और जाते हैं, ये हमारी परिस्थितियाँ निर्माण होती हैं। वैसे मैं सुबह घर से 8 बजे निकला हूँ और अभी तक घूम रहा हूँ और रात को 12 बजे घर जाना होगा वापस, क्योंकि इतने सारे प्रसंग अवसर है। लेकिन ये भी सौभाग्य की बात है कि 2023 में हमारे महासमन जी का चातुर्मास इस मुंबई नगरी में होने जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मीरा भाईंदर में ही होगा। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि उसका निमित्त भी मैं ही बनूंगा, क्योंकि मीरा भाईंदर के ऊपर इतने साधु भगवान, इतने साध्वी जी भगवान का आशीर्वाद और कृपा रही है कि मीरा भाईंदर धर्म नगरी और पुण्य नगरी के नाम से जानी जाती है। जितनी आराधना है, जितनी तपस्या, जितने महात्माओं का आगमन इस मीरा भाईंदर में होता है वो कहीं और नहीं होता है, इसलिए मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये तो हमारे नसीब की बात है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे आज से ही, अभी से ही, कि सारी व्यवस्था के लिए हमें सही चीज़ें सारी मिल जाए ताकि बहुत ही धूमधाम से सुंदर तरीके से ये चातुर्मास हम कर सकें। और साध्वी जी भगवान के चरणों में फिर नमन करता हूँ और दोनों हाथ जोड़ के क्षमा याचना भी करता हूँ दिल्ली से आने के लिए। लेकिन हमेशा आपको मैंने गुरु के स्थान पर रखा है और आपका हमेशा
याद करके स्मरण करके अच्छे काम हमने किया है और मुझे पूरा विश्वास है आपका सानिध्य आपका आशीर्वाद इसी तरह बनता रहेगा मिलता रहेगा और मैं जिन शासन के और समाज हित के जिन जैन समाज के कार्य में हमेशा निमित्त बनता रहूंगा यही आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमें इतनी शक्ति दे ताकत दे कि समाज कल्याण के अंदर हम निमित्त बन सके। मैं फिर एक बार तेरापन समाज के सभी भाइयों बहनों का दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत ही सुंदर आयोजन और आपका प्रेम से हमेशा मिलता रहा है आगे भी मिलता रहेगा यही कामना करता हूं। ओम अरम। आज मीरा रोड के अध्यक्ष सुखलाल जी मात्रे चार जिन्होंने जिनके नेतृत्व में आज दो धाराओं का आध्यात्मिक मिलन हुआ है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सुखलाल जी मात्रे सर आज का जो मिलन हुआ है उसमें मीरा रोड संघ को ये प्रभावना मिली और लाभ मिला उसके बारे में आप बताएं और कैसे आपने मैनेज किया कार्यक्रम। आज जो त्रिवेणी संगम हमारे को जो मिला ये सहज ही मिला है, हमको वो मालूम ही नहीं था कि ये त्रिवेणी संगम मीरा रोड वासियों को मिलेगा, लेकिन गुरुदेव की कृपा से आशीर्वाद से आज ये त्रिवेणी संगम हमको मिला और उसमें सभी जैन समाज का सहयोग रहा और पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा हमारे तेयू महिला मंडल सभा जैन सावक ने पूरा सहयोग किया, पूरा प्रोग्राम को सफल बनाया और सफल बनाने में हमारे नरेंद्र जी मेहता पधारकर पूरे मीरा रोड वासियों का जो 2023 का गुरुदेव का जो चौमासा उन्होंने आश्वासन दिया मेरे सानिध्य में ही 2023 का चौमासा मीरा भाईंदर में हो और उसका लाभ भी मुझे ही मिलेगा। ये श्री शुक्लाल जी ने बताया है कि 2023 का जो चतुर्मास है आचार्य महाश्रमण जी का जो मुंबई फरमाया है उसके बारे में कि मीरा भाईंदर को ही मिले ये लाभ और स्थानीय जो विधायक है नरेंद्र जी मेहता जिन्होंने आज घोषणा भी की कि ये लाभ हमको मिलेगा और हम प्रयास करेंगे आज से ही हम इसके लिए शुरुआत करते हैं। तो जो आज आध्यात्मिक मिलन हुआ है तीन साधु संतों का साध्वी श्री का जो आज मिलन मीरा भाईंदर में हुआ है तो उसके बारे में इन्होंने बताया पूरा और जानकारी लेते हैं सुराणा जी से। हमारा एक गुरु और एक विधान हमारा सूत्र है और एक सूत्र में बंधा हुआ हमारा समाज और कहा है कि कई बार आचार्य भिक्षु और उनकी कृपा से कई ऐसे कार्य हमें उपलब्ध होते हैं जिसका हम चिंतन भी नहीं करते सरे अचिंत्या काम और ये यहाँ का आध्यात्मिक मिलन भी उसी अनएक्सपेक्टेड कार्यक्रम में हमें प्राप्त हुआ। मीरा रोड इस मामले में भाग्यशाली है और इस समाज ने जो एकजुटता दिखाई है और आगामी चातुर्मास के लिए हम समझ रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारियाँ और बढ़ेगी। मेरा इसके पूर्व में ही भूमिका चालू थी और मैंने गए हफ्ते दिनेश जी से बात की तब उन्होंने कहा अधिवेशन चालू है और नरेंद्र जी के ध्यान में ये बात डाली हुई है और आज जो उत्साह का संचार नरेंद्र जी मेहता करके गए हैं मुझे पूरा विश्वास है कि इस मीरा भाईंदर की इस पवित्र भूमि पर एक नया इतिहास रचा जाएगा और हम सब तेरा पंथ और संपूर्ण जैन समाज के लोग इससे लाभान्वित होंगे। वो मान थैंक यू। ये सभी आज के कार्यक्रम की जो रूपरेखा थी उन्होंने बताई। मैं राजस्थान के विषय कृपा शंकर दवे संजय जी वैष्णव और नीलेश पंड्या के साथ आज का जो प्रोग्राम हुआ था दो धाराओं का आध्यात्मिक मिलन जिसमें महिला मंडल की भी बहुत बड़ी भागीदारी थी। इन्होंने बेस्ट मैनेजमेंट किया और कार्यक्रम संपन्न हुआ है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। महिला मंडल मीरा रोड आज का जो आध्यात्मिक मिलन हुआ और जो त्रिवेणी संगम हुआ है उससे हम बहुत हर्षित हैं। पूरी महिला मंडल और पूरी मेरी कार्यकारिणी ने जो सहयोग दिया उसके लिए मैं उनकी बहुत आभारी हूँ और ये जो ऐसा जो सहयोग मिलता है बहुत कम ही मिलता है जो हमें मीरा रोड में मिला और पहली बार मिला मीरा रोड में ये सहयोग ऐसा सहयोग साधु श्री जी की बहुत आभारी हूँ। अणिमासी जी की लावणी जी की मंगल प्रज्ञा जी की सभी साधु की बहुत बहुत आभारी हूँ और आपने 11 दिन का प्रवास दिया और अभी शायद और आगे अपने का भाव रखे या रुकने का। कैसे आपको ये प्रायोजन मिला है इस कार्यक्रम का? एक्चुअली भाई साहब मैं 40 साल तक गुरु किधर भी महाराज साहब के नहीं जाता था तो अणिमासी जी का चातुर्मास भाईंदर में था
और भाईंदर में उनकी जो वाणी सुन के मेरे को इतना लगा कि फिर मैं निरंतर बाबू जी के उधर जाने लग गया। और जहाँ जहाँ अनिमासी जी जाते तो मेरे एकदम शक्ति का नया संचार हो जाता है। तो और ये मीरा रोड वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि बाबू जी 9 दिन बिराजे, उसके बाद में आध्यात्मिक मिलन का योग संयोग हो गया कि भाई इधर ये होना है। तो उसमें मेरे को सब बोल रहे थे भाई क्या करना क्या, मैं बोला मैं प्रायोजक बनता हूँ और जो भी तेरापन समाज को जो जो उचित लगे वो करे। लेकिन तेरापन समाज मीरा रोड ने और महिला मंडल मीरा रोड ने इतनी अच्छी व्यवस्था की जो काबिले तारीफ है। और अनिमासी जी के मैं प्रति कृतज्ञता अपील करता हूँ क्योंकि उन्होंने मीरा रोड समाज को ये अवसर दिया और हमको ये मौका दिया। उनका आशीर्वाद, गुरु महाराज का आशीर्वाद हम पर है ही है और उनके साथ में अनिमासी जी का भी आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, इसी आशा के साथ ओम आरम। ये सुभाष जी मादरेचा जो युवक परिषद से जुड़े हैं, समाज से जुड़े हैं और ये इस कार्यक्रम के बारे में देंगे जानकारी अपनी। आज जो आध्यात्मिक मिलन हुआ है वो एक अब स्मरणीय ये है प्रोग्राम और इसमें महाराज साहब की बहुत कृपा रही हमारे ऊपर और इसमें हमारे को लाभ देने वाले मीठालाल जी भोरा जो संयोजक बने हैं, प्रायोजक बने हैं, उनका बहुत बहुत साधुवाद उनको और समाज की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार। उसके बारे में बताया आज आपको मीरा रोड में जो हमारे आपके संसद के भाई हैं, परिवार मिला है और परिवार में भी आज नगर सेविका भी है, सीमा शाह जी है, संकेत जी जो तेरापन बहुत सेवा कर रहे हैं, तेरापन युवक परिषद के रूप में बाकी सभा में भी उनको काम दिया हुआ, थोड़ा सा आप उसको मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि ऐसा महान शासन जिनको मिल जाता है उनके लिए कह देते हैं कि गॉड गिफ्ट होता है और इतनी कुछ उपलब्धि होने के बाद में जब परिवार का नाम आता है तो परिवार का गौरव तिगुना चौगुना बढ़ जाता है। सीमा बहन जितना बहन जिनसे पहली बार मिलना हुआ है, भाई संकेत, विशाल, संसार पक्षीय, पापा, मम्मी, पूरा परिवार, बहने आज इस रूप में मुझे पाकर के अहोभाग्य का अनुभव कर रहे हैं और धन्यता का अनुभव करते हैं कि हमारा शासन में सिर है। कहते हैं जिनका शासन में सिर हो जाता है वो परिवार अपने आप में गौरवान्वित होता है, अपने आप में धन्य होता है, अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य का सूचक होता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ऐसा जन्मों जन्मों के बाद में ऐसा दुर्लभ शासन हमें मिलता है। और आज जो आप मिले हैं आपको कैसी अनुभूति हुई, परिवार जो संसद परिवार मिला है और तीन सिंगारों का मिलन हुआ है, अभी जैसे कि कहा कि तीन सिंगारों का मिलन हुआ है और मेरा परिवार मुझे मिला है। वैसे कहूँ तो लगभग 22 साल हो गए मुझे परिवार को छोड़े हुए, लेकिन कहते हैं मोह एक ऐसी चीज है वो ताउम्र चलती है और परिवार का एक संबंध है वो जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन हम साधु साधी जो बन जाते हैं उनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम कुटुंबकम होता है, यानी वसुधा ही उनका घर है, उनका परिवार है। लेकिन इस परिवार को देखती हूँ तो मुझे बड़ी गौरव की अनुभूति होती है कि हमारे दादाजी ने, मम्मी पापा ने, भाई बहनों ने इतने अच्छे संस्कार लिए हैं जो धर्म शासन की सेवा कर रहे हैं, तेरा पंथ शासन की सेवा कर रहे हैं, तो इससे बड़ी और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। दूसरी बात है मिलन की, तो सेवा कर रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ कितने सालों से आप है बुद्धि सागर वाले हमारे देश भाई, आज आपके बहन महाराज साहब मीरा रोड बना रहे हैं और ये कर्म भूमि आपकी और कर्म भूमि में पूरे परिवार और सांसारिक पक्ष के आप भाई हैं साथ, तो कैसा लग रहा है? आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि करीब दीक्षा के 16 वर्ष के बाद साथी जी का यहाँ पदार्पण हुआ है और आज हम सब परिवारवासी बहुत प्रसन्न हैं, बहुत आह्लादित हैं और साथ में मेरा यहाँ का परिवार भी साथ में है, मेरे सब यहाँ के साथी भी सब साथ में हैं, आज बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। से क्या कामना रखते हैं आप? आपका जयसिंहपुर में चातुर्मास है, बहुत लंबा है यहाँ से 400 किलोमीटर लंबा है और आप मुंबई बिहार में, तो आप यहाँ पधारे तो आपका क्या आज के दिन साध्वी श्री जी, हालांकि वो हमारी प्रेरणा है ही है, आज व्यक्तित्व विकास हुआ है तो हम सब हम कर पा रहे हैं, सेवा कर पा रहे हैं,
तो गुरु महाराज का हर दम हर रोज प्रेरणा रहती है। महाराज के यहाँ पधारे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने से जितना हो सकेगा उतनी दिन साथ उनकी सेवा करने की कोशिश करें और शासन जीवन तय करने में उनको सफलता मिले, यही शुभकामना। आप बोल दो और साथ में पूछ आज सचमुच त्रिवेणी संगम जो लिखा गया है हकीकत में त्रिवेणी करके रहा है। इतना अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान बहुत सरल शब्दों में दोनों साथी वर्या जो बड़े हैं उन्होंने दिया है और एक अच्छा माहौल बना है। तेरा पंत समाज अपने आप में हमेशा जयवंतावस्थे, ऐसी मैं शुभकामना करती हूँ आज के मंगल दिन। धन्यवाद। जय जय देश प्रदेश री खबरारा वास्ते अपनो चैनल मारो राजस्थान आप तक लाइक करो, सब्सक्राइब करो।